हाँ, जो अभी आप पूर्वानुमान की बात करिए तो अगले 5 दिनों के लिए जो हम लोगों ने जारी कर रखा है, आज थोड़ी सी एक्टिविटी साउथ बिहार में होने की चांसेस है कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और थोड़ी सी रेन होंगे। उसके अलावा कल से आप देखेंगे कि मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, थोड़ी बहुत एक दो जगह थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी, तो अगले 5 दिनों के लिए जो है सो बारिश की गतिविधियां में रोक रहेगी राज्य में हेवी रेनफॉल। इसके अलावा आप कल देखेंगे जो फोरकास्ट रियलाइज हुआ है, मुंगेर में हुआ, बेगूसराय में हुआ, वेस्ट चंपारण में हुआ, यहाँ पे हेवी रेनफॉल भी रियलाइज हुए हैं। एक बड़ी बात ये बताएं कि इस मौसम में जनरली बारिश नहीं देखने को मिलती है और इस बार देखने को मिली है, क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, इस मौसम जो प्री मॉनसून सीजन होते हैं इसमें रेनफॉल होते हैं, बट रेनफॉल जो सीजन का पैटर्न होता है उसको कॉन्वेक्टिव मतलब थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी ज्यादा होती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आंधी के साथ जो वज्रपात गिरने की ये जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से बिहार के 3800 जिलों में बारिश देखी गई है। बड़ी बात यह है कि इस बारिश के साथ कई कई ओले भी पड़े हैं और इसकी वजह से किसानों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। सो हमारे साथ हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार जी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन सारे फैक्टर्स की वजह से ये बारिश अभी देखने को मिली। जी देखिए, हम लोगों ने ये जैसा पूर्वानुमान किया था 13 तारीख को ही बताया था कि राज्य में 17 से 21 तारीख तक बारिश होने के साथ साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और हेल स्टॉर्म होने के चांसेस है, ओलावृष्टि। उसी अनुरूप जो आप देखेंगे कि अभी तक जो रेनफॉल है रियलाइज हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि ये रेनफॉल क्यों हुआ, तो ये सीजन ही जो होता है जिसमें हम लोग कहते हैं प्री मॉनसून सीजन, इसमें आप इस तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। तो और जो हम लोगों ने दिया था कि हेवी रेनफॉल, इसके अलावा आप कल देखेंगे जो फोरकास्ट रियलाइज हुआ है, मुंगेर में हुआ, बेगूसराय में हुआ, वेस्ट चंपारण में हुआ, यहाँ पे हेवी रेनफॉल भी रियलाइज हुए हैं इनमें। तो एक बड़ी बात ये बताएं कि इस मौसम में जनरली बारिश नहीं देखने को मिलती है और इस बार देखने को मिली है, क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, इस मौसम जो प्री मॉनसून सीजन होते हैं इसमें रेनफॉल होते हैं, बट रेनफॉल जो सीजन का पैटर्न होता है उसको कॉन्वेक्टिव मतलब थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी ज्यादा होती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आंधी के साथ जो वज्रपात गिरने की ये जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। अभी जो था क्या था कि एक ट्रफ लाइन था, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया था उसके कारण ट्रफ लाइन था और इधर से मॉइस्चर का इंटरेक्शन था इसमें, तो इसके कारण जो है आप रेनफॉल एक्टिविटीज आप पूरे राज्य में देखने को मिले। ये पूरे राज्य में नहीं, लगभग पूरे इंडिया के सेंट्रल पार्ट और नॉर्थ पार्ट में भी इस तरह की रेन देखने को मिले। इसकी वजह से किसानों को काफी समस्याएं हुई हैं, जहां जहां ओले पड़े हैं वहां गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है, इसके बारे में क्या सजेशन दे सकता है मौसम विभाग? हाँ जी, हम लोगों ने इसके लिए भी पूर्वानुमान में जब ये कहा था कि ये जो बारिश है इसको ध्यान में रखकर किसान क्या तैयारी कर सकता है, तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि जिनकी फसल पक चुके हैं, चाहे पकने के कगार पे है, चाहे उन्होंने काट करके उसको मैदान में रखा है, खुले में छोड़ा, इसे सुरक्षित भंडारण कर ले। जो फसल में पानी आप उसको देना चाहते तो उस फसल में पानी नहीं दे। इसके अलावा दवाई की छिड़काव ये सब, उसके लिए हम लोगों ने एक एडवाइजरी इशू कर रखा था पूरे किसानों भाई के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने किया होगा और कुछ उन्हें फायदा भी होंगे इस पूर्वानुमान के आधार पर। अब ये बताएं कि आने वाले दिनों में क्या सजेशंस हैं मौसम विभाग की तरफ से? हाँ, जो अभी आप पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 5 दिनों के लिए जो हम लोगों ने जारी कर रखा है, आज थोड़ी सी एक्टिविटी साउथ बिहार में होने की चांसेस है कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और थोड़ी सी रेन होंगे। उसके अलावा कल से आप देखेंगे कि मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, थोड़ी बहुत एक दो जगह थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी, तो अगले 5 दिनों के लिए जो है सो बारिश की गतिविधियां में रोक लगेगी राज्य में। देखिए, मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज थोड़ी एक्टिविटी जारी रहेगी, हालांकि इसके बाद अगले 5 दिनों तक मौसम पहले से साफ रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, बिहार तक।